ट्रेन से आ जाना चाहिए था नहीं कार्ड का लगा कहां बताया नहीं बिना है ना जिसको बनाया अच्छा ठीक है ठीक टाइम से पहले आया करो यहां समझ आया चलो चलो बेटा यहां शुरू हो जाएगा और इंटर लेट नहीं होना हां 21 हुआ था 22 यस सर 23 यस सर 24 25 26 27 यस सर 28 29 30 लेट से भी आओगे अटेंडेंस भी बनेगा पहली बार आइंदा इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए समझ में आया चलो बना देना बैठो बैठो तुम आ नहीं रहते पढ़ने कहाँ थे सर हमें बर्ड फ्लू हो गया था बर्ड फ्लू हो गया था बर्ड फ्लू तो पक्षियों को होता बेटा तुमको कैसे हो गया आप लोग इंसान हम लोग को समझते ही कहाँ हैं सुबह सुबह आके मुर्गा बना देते हैं इंसान नहीं समझते इंसान नहीं समझते तो स्कूल में पढ़ते बैठो बैठो सुनिए ओके आंचल डायरी लेके आओ प्रिंसिपल ऑफिस में जाएं प्रिंसिपल सर बुला रहे सिविक यस सर बेटा तुम्हारा टिफिन टिफिन करके नहीं आए क्या नहीं सर लो सुबह में टिफिन बनवा दिया करो ठीक है नहीं तो देखे होगी सुबह में लोग बेहोश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सेटअप हाँ बच्चों होमवर्क दिए थे कल तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे yes, दिए थे कि नहीं दिए थे yes, sir, दिए थे पूरा है yes, sir. कोई ऐसा है जिसने होमवर्क नहीं पूरा किया हर्ष यस सर होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया बेटा सर लाइट नहीं था लाइट नहीं था तो मोमबत्ती जला लेना चाहिए था सर माचिस नहीं था यस कनेक्ट माचिस नहीं था तो माचिस ले लेते सर माचिस पूजा घर में था तो पूजा घर में जाके माचिस ला लेते सर लेकिन नहाए नहीं थे तो पहले नहा लेना चाहिए था सर मोटर ही नहीं चला तो मोटर चला लेना चाहिए था ना सर कहे ना लाइट नहीं था लाइट नहीं था लाइट नहीं था केवल बहानेबाजी आता है तुम केवल बहानेबाजी करते हो तुम आए दिन होमवर्क पूरा नहीं रहता है तुम्हारा कल पूरा हो जाएगा कि नहीं पूरा हो जाएगा सर सही से बोलो पूरा हो जाएगा सर ठीक है कल हर हाल में होमवर्क पूरा पहले इन्हीं का देखेंगे हम पहले याद दिलाएंगे हम इन्हीं का देखेंगे पहले और आज जो मिलेगा उसको भी पूरा करना ये नहीं कि आज वाला फिर परसों करता ठीक है ना सर थैंक यू सर मेनका मेनका अच्छा ये बताओ कुतुब मीनार कहाँ स्थित है तुमसे पूछा गया है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है मैं बताऊं सर खड़े जाओ बताओ बताओ सर उसका कुत्ता अभी बीमारी है ठीक नहीं हुआ प्रश्न सुने हो क्या कहा गया है यस सर क्या कहा गया है सर आप पूछे हैं कि उसका कुत्ता बीमार था कहाँ ठीक हुआ सुनाई तुमको कम दे रहा समझ में आया आगे आओ चलो पहले इन बैठो तुम आगे वाले डेस्क पे बैठो यस सर आओ इधर इधर सीट देना इसको पढ़ के आया करो थोड़ा वो ठीक है पढ़ाई नहीं करते तुम लोग बैठो सर जी क्यों करती रहती है अनुराग बेटा यस सर ये कल बोले थे कि एक कहानी सभी लोग याद करके आएंगे कल हम कहानी पूछेंगे सभी लोगों से जी सर याद करके आए हो याद किए सर थोड़ा बहुत याद है थोड़ा बहुत नहीं अच्छे से याद करना था ठीक है सर सुना रहे हैं सुनाओ जी सर चलो एक कहानी सुनाओ
जब उसने मुझे फोन किया तो मैंने फोन नहीं उठाई। हाँ हाँ, जब मैंने फोन किया तो उसने नहीं उठाई। ये कौन सा कहानी, ये कौन सा कहानी? यही सर याद किए हैं, बस इतना ही याद आया। अच्छा चलो ठीक है, याद किए हो तो ये बताओ इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? सर 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 मैं बताऊं, कहानी है याद किया के सुनाया है और एजुकेशन तुमको मालूम है? यस सर। अच्छा चलो बताओ, तुम ही बताओ। सर इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अरे वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुम तो बहुत बड़े चिकन चिल्ली निकले। सर जी चिकन चिल्ली का नाम मत लीजिए, सुन करके मुंह में पानी, बहुत मुंह में पानी आता है तुम्हारे, बहुत मुंह में पानी आता है। बात ऐसा रहेगा तो मुंह में पानी आ जाएगा, मुंह में पानी आ जाता है इनके। चल बैठो बैठो। हाँ तुम तो बैठो, बहुत अच्छे शाबाश। अच्छा अभी इसने कहा कि मुंह में पानी आ गया, जूही स्टैंड अप। यस सर। मुंह में पानी आना, मुहावरा, मुंह में पानी आना का अर्थ क्या होता है? मुंह में पानी आना मुहावरे का क्या मतलब है? सर ए सर मैं बताऊं? अच्छा चलो तुम ही बताओ, बताओ चलो। सर इसका जवाब तो बड़ा ही आसान है, मैंने जैसे ही नल खोला मुंह में पानी आ गया। ये कौन सा अर्थ है जी इसका? यही पढ़ाया जाता है तुमको? यही याद है, यही याद है, पढ़ाई किया करो, समय बहुत मूल्यवान है, विद्यार्थी जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, सभी लोगों को नहीं मिलता। बेटे मोहल्ले में देखते हो कि बहुत सारे बच्चे घूमते रहते हैं ऐसे ही, उनको स्कूल नसीब नहीं है, तुमको स्कूल नसीब हुआ है तो उसका फायदा उठाएं, समझ में? और वो भी ऐसे स्कूल में पढ़ते हो, समझ में कुछ? सिट डाउन बैठो। अच्छा आशीष बेटा खड़े।